शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वे एक ठेकेदार पर कूड़ा डलवाते नजर आ रहे हैं। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। नाली की सफाई नहीं होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरे को विधायक बनाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रस्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रस्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। चार पांच दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। मामला शनिवार यानी कि 12 जून की शाम करीब 4 बजे का है। दिलीप मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है और साइड में कूड़े का ढेर लगा है। वहीं कुछ लोग एक व्यक्ति पर कूड़ा डाल रहे हैं। आज तक की एक खबर के मुताबिक विधायक ने एक नाले की सफाई नहीं होने पर ठेकेदार को बुलाया और उस पर कचरा डलवाया। कथित तौर पर नाले का पानी लोगों के घरों में जा रहा था। इस बात की शिकायत लोगों ने विधायक से की। विधायक ने मौके पर पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को सफाई के काम पर लगा दिया। इसके बाद ठेकेदार को मौके पर बुलाया, उसे पानी से भरी सड़क पर बैठाया और अपने कार्यकर्ताओं से उस पर कचरा डालने को कहा। इस पूरे मामले पर दिलीप लांडे ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जिसके कारण उसके साथ ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर नहीं है, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके विधायक बनाया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए शिव सैनिकों को लेकर रास्ते पर आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। जिम्मेदारी ठेकेदार की है, लेकिन उसने ये काम नहीं किया, इसलिए ठेकेदार को पकड़कर यहाँ लाया हूँ। और जिस गंदगी से होकर मेरे लोग जा रहे थे, वही गंदगी में, वही कचरे में ठेकेदार को बैठाकर उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विधायक ने कहा कि मैं पिछले 15 दिनों से कॉन्ट्रैक्टर को कॉल कर रहा था और उससे सड़क साफ करने का निवेदन कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शिवसेना के लोगों ने खुद ऐसा किया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह पहुंचा। मैंने उससे कहा कि ये उसका काम है और ये उसे करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में BJP नेता राम कदम ने कहा है कि सत्ता में शिवसेना के नेता बैठे हैं और पीटा जा रहा है ठेकेदार को। अगर पीटना ही है तो आपके जो नेता मुंबई महानगर पालिका में बैठे हैं, जिनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हें पीटें। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।